शैली जी, आज चौथी बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई है, क्या उम्मीद है कि आज दिल्ली को उसका मेयर मिल जाएगा? जी देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे ही दिया है और जो निर्णय है उनका बड़े निष्पक्ष तरीके से ये कह दिया गया है कि तीनों इलेक्शंस को एक साथ नहीं करवाया जाएगा और साथ ही मनोनीत पार्षद जो हैं उनको हाउस के अंदर कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो हम पूरी आशा करते हैं आज बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हाउस में चुनाव होंगे और दिल्ली को आज अपना मेयर और डिप्टी मेयर जरूर मिलेगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है आज के इस सदन को लेकर के? जी देखिए, रणनीति हमने क्या बनानी है, हमें दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दे दिया है, हम तो शांतिपूर्वक हर बार यही चाह रहे थे कि इलेक्शन हो और दिल्ली का जितना नुकसान हुआ है पिछले ढाई महीने में वो नुकसान ना होता। तो रणनीति हमारी क्या रही, आज भी हम शांतिपूर्वक चाहेंगे कि इलेक्शन हो और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और डीएमसी एक्ट के अनुसार अपना चुनाव आज हमारे कंडक्ट। अगर नंबर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत का नंबर है, 151 नंबर है, और अगर शांतिपूर्ण ढंग से आज सदन चलता है और निष्पक्ष चुनाव होता है तो आपका जीतना लगभग लगभग तय है। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके पार्षद वोट करेंगे और उनका मेयर जीतेगा, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। पिछले 15 साल से जो नगर निगम में वो राज कर रही थी और दिल्ली की जनता ने अब हमारे को, आम आदमी पार्टी को नगर निगम में मौका दिया है और उनको नगर निगम से उठाकर बाहर कर दिया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हार को स्वीकार करना अभी उनके लिए मुश्किल है। तो क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है इस चुनाव में? जी देखिए, हमें तो अपने जितने भी हमारे पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, हमें सब पर पूरा अच्छे से भरोसा है और डेफिनेटली मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारा ही होगा। धन्यवाद।